चौबे इलेक्ट्रिकल्स मेन रोड भवनाथपुर। हमारे यहाँ लूबी और किलोस्कर कंपनी के समर्सिबल और मोटर उपलब्ध हैं। बिजली की खपत करे कम और पानी दे ज्यादा। अधिकृत विक्रेता चौबे इलेक्ट्रिकल्स मेन रोड भवनाथपुर। सड़क दुर्घटना में घायल मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के अभाव में करीब आधे घंटे तक तड़पते रहे। अस्पताल के ओपीडी में तैनात चिकित्सक सीएचओ कमल सैनी मौके पर मौजूद नहीं थे। मौके पर मौजूद बीडीओ रविंद्र कुमार के निर्देश पर आधे घंटे बाद एमपीडब्ल्यू विद्यानंद प्रजापति एवं नर्स अगरथा टोपो ने घायलों का इलाज किया। शनिवार को केदार भवनाथपुर मुख्य पथ में टेलर टेम्पो की टक्कर में घायल एवं मृतकों को स्थानीय पुलिस एवं ग्रामीणों की तत्परता से सीएससी भवनाथपुर ले जाया गया, किंतु अस्पताल में चिकित्सक नहीं रहने की वजह से बीडीओ रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी सतीश महतो दलबल के साथ चिकित्सक का इंतजार करते रहे, किंतु वे नहीं आए। चिकित्सक की अनुपस्थिति देख बीडीओ के आदेश पर एमपीडब्ल्यू ने घायलों का इलाज किया। मौके पर उपस्थित स्वास्थ्यकर्मी एमपीडब्ल्यू विद्यानंद प्रजापति, नर्स अगरथा टोपनो एवं क्लर्क सुनील कुमार ने बताया कि सभी सीएचओ कमल सैनी की ड्यूटी है, किंतु वे सभी अस्पताल में नहीं हैं। बीडीओ रविंद्र कुमार ने सीएचओ कमल सैनी से संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु संपर्क स्थापित नहीं हो सका। तदुपरांत उन्होंने इसकी सूचना सिविल सर्जन गढ़वा को दी। घटना के लगभग पौन घंटा भर बाद आनंद फारण में अस्पताल पहुंचे चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश सिंह ने भी सीएचओ कमल सैनी की ड्यूटी होने की बात कही। ड्यूटी से नदारद चिकित्सक कमल सैनी के संबंध में पूछे जाने पर गढ़वा सीएस कमलेश कुमार ने गोल मटोल जवाब देते हुए मौके पर चिकित्सक के होने की बात कही, जबकि देर से अस्पताल आए चिकित्सा प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक कमल सैनी से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही। हैरत की बात है कि सीएस ने मौके पर उपस्थित पूरे प्रशासनिक टीम को झुठलाने का प्रयास किया, तो इंगित करता है कि पूर्व में भी अस्पताल की लापरवाही ही लीपापोती कर दी जाती है।